हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्रोलिनियम यानी पेपर डेजी फ्लावर प्लांट के बारे में। दोस्तों, ये एक बहुत ही खूबसूरत स्प्रिंग सीजन में खिलने वाला फ्लावरिंग प्लांट है और ये सीड से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। मैं इनको सीड से ग्रो किया था, मैं इनका सीडलिंग अक्टूबर में किया था और अब जाके इसमें फ्लावर खिल रहे हैं। तो ये स्प्रिंग सीजन में बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग करते हैं और ये बहुत सारे डिफरेंट कलर में भी खिलते हैं और एक साथ बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होता है तो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी सॉइल की बात करें तो इनको वेल ड्रेन्ड सॉइल पसंद है। इसके लिए आप इसके पॉटिंग मिक्स में 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 पार्ट सैंड और 1 पार्ट कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वाटरिंग की बात करूँ तो दोस्तों, इन प्लांट्स को मॉइस्ट सॉइल पसंद है। अगर इसका सॉइल ड्राई हो जाता है तो प्लांट मुरझाने लगते हैं, इसीलिए आप इसके सॉइल को हमेशा मॉइस्ट रखने की कोशिश कीजिए। और इसके फ्लावर्स छूने पर पेपर की तरह लगते हैं और इनमें पेपर की तरह सांड भी आता है और ये बहुत ही लंबे समय तक खिले रहते हैं। ये फ्लावर एक बार खिलते हैं तो कम से कम 1 महीने तक ऐसे ही खिले हुए रहते हैं। इन प्लांट्स को अगर आप दिन भर के डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे फिर भी ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं और इनमें बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।